हाल ही में भारत के राजस्थान की रहने वाली अंजू पाकिस्तान पहुंची है, जिसके बाद तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया है और निकाह कबूल कर लिया है नसरुल्ला के साथ। इसके बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक लड़की को गिरफ्तार किया गया है जिसकी उम्र मात्र 17 साल है और अंजू की तरह ये भी पाकिस्तान अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना चाहती थी। लड़की को जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। लड़की की मुलाकात पाकिस्तानी शख्स से इंस्टाग्राम पर हुई थी और वो ये चाहती थी कि वो पाकिस्तान चली जाए। लड़की की गिरफ्तारी के बाद हैरान करने वाली बात सामने आई है। दरअसल लड़की के घर वालों को कुछ भी नहीं पता था कि लड़की कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। और जिस वक्त जयपुर एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने लड़की से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो लड़की ने झूठ कहा कि उसका पति पाकिस्तान में है और वो 3 महीने से अवैध रूप से भारत में रह रही है और वो वहाँ जाना चाहती है। इस पर अधिकारियों ने कड़ाई से पूछताछ की तो लड़की ने सच उगल दिया कि वो दरअसल पाकिस्तान में एक शख्स से मिलने जा रही थी और उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम के थ्रू इस शख्स से हुई थी। और उस पाकिस्तानी शख्स ने लड़की को ये भी समझाया था कि अगर एयरपोर्ट पर अधिकारी लड़की को रोक लेंगे तो किस तरह से अधिकारियों से डील करना है। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो अधिकारियों ने लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके बाद छोड़ दिया और लड़की का मोबाइल सीज कर लिया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, भारत से लड़कियों का पाकिस्तान जाना। और जो लड़की गिरफ्तार की गई है, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, उसका बड़ा खुलासा ये है कि उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कदम उठाया था। लेकिन आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह से भारत की लड़कियों को बरगला कर पाकिस्तान आने के लिए उकसा रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है। देश और दुनिया की तमाम खबरों सुनने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।